अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक के फजल करम शुक्र के साथ आज का पहला व्लॉग अपना करते हैं जी शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी पहली वीडियो है तो व्लॉगिंग के हवाले से, तो जाहिर सी बात है अभी नई नई शुरू किया है तो कोई ना कोई गलतियां तो होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम के साथ साथ एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि कोई भी पैदा होते तो व्लॉगर बन ही जाता। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी 9th के पेपर दिए हैं तो अभी छुट्टियाँ हुई हैं जून जुलाई की, तो बस अभी यकम तकरीबन 10 दिन रह गए, इसके बाद हमारी जो मैट्रिक की क्लासें हैं वो शुरू हो जाएंगी। खैर मुझे इंग्लिश बोलने का बहुत शौक़ है, लेकिन मसला ये है कि मुझे अभी सही से इंग्लिश जो है ना वो नहीं आती है, लेकिन 9th में काफ़ी ज़्यादा सीख लिया, 10th में इंशाल्लाह प्रॉपर सीख लेंगे क्योंकि कोशिश यही है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा फ्यूचर जो है ना बाहर के मुल्क बने। मुझे बड़ा शौक है बाहर के मुल्क में जाने का, बाहर के मुल्क जाने का, तो लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना फ्यूचर दूर दूर तक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, इसलिए अभी कोशिश यही है कि बाहर के मुल्क जाके अपना फ्यूचर बनाए। तो बाकी खैर ब्लॉगिंग के साथ साथ और बाहर के मुल्क के शौक़ के साथ साथ चिड़ियों का भी शौक़ है, तो ये पहला ये आप देख रहे हैं 3 पिंजरे हैं, तो सबसे पहले जैसे हमने चिड़ियाँ 2 रखी थी तो माशाल्लाह ये सारी जो उनसे ना आगे नस्ल को शिंगी होती है। सबसे पहले हमने इस पिंजरे में रखी थी चिड़ियाँ, फिर ये आपस में अंडे दे के लड़ने लगी थी, तो फिर एक ये पिंजरा आया था, तो अभी कल जो उनसे सबसे बड़ा पिंजरा लेके आए हैं। ये सारे बच्चे हैं इनके, उन्हीं के इस पेयर के बच्चे हैं सारे, इसमें भी इन्हीं के बच्चे हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह से अंडे दे दिए हैं। तो वो जो हमारा फर्स्ट पेयर था उसने तो बड़ी लेट अंडे दिए थे क्योंकि पहले पेयर नहीं बना था, तो खैर बच्चों ने जल्दी दे दिए क्योंकि इनका पेयर जल्दी बन गया। अभी कल इनका ये पिंजरा आया ना तो इनमें से भी 1-2 पेयर बने हुए हैं, तो कुछ जी हैं जिनसे अभी इनकी भी इंशाल्लाह ये भी अंडे देंगे, तो इन्हीं की वजह से जो उनसे ना हमें बड़ा पिंजरा लाना पड़ा है। तो बाकी जिस टाइम ये अंडे दे देंगे बच्चे निकल आएंगे तो फिर ये पिंजरा काफ़ी खुला तो सारे इधर ही आ जाएंगे, इसीलिए हम ज़्यादा बड़ा पिंजरा लेके आए हैं। ये वाला जो सा पेयर है ये रेड आइज वाला है बिल्कुल, और एक ही कलर में है, ये वाला एक, ये जो येलो बैठा है, और एक ये दोनों एक जैसे ही हैं, इनकी रेड आंखें हैं लेकिन दिए इन्होंने नहीं, इनकी आंखें ब्लैक है। तो ये जो था हमें सरप्राइज मिला गिफ्ट, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, दूसरा आज मेहमान आए हुए तो बाहर का चक्कर जो है पहले से भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसलिए जो है ना पसीना खुश्क ही नहीं हो रहा, तो ऊपर ये कपड़ा भी डाला हुआ है, इसकी वजह से अब धूप तो नीचे नहीं आएगी लेकिन साथ साथ हवा भी रुकी हुई है, तो इसलिए ये इधर हब्बस काफ़ी बनी हुई है, तो भी अंदर एसी चल रहा है, अंदर जाके बैठ जाते हैं थोड़ी देर। तो ये जी मेरा छोटा भाई है अब्दुल वहाब रशीद, अब्दुल वहाब रशीद पूरा नाम यही है। और भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर अभी हम जा रहे हैं जी अलफता, ये टायर ब्लास्ट हुआ है, रोड मेन रोड बिल्कुल साथ है, तो मेन रोड पे अलफता तो जा रहे हैं, जैसे बोतलें वगैरह लेकर आनी, जूस लेकर आना है, तो बस यही लेने जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है तो इसलिए फिर ठंडा होना भी पड़ता है किसी ना किसी तरीके। वैसे भी हमारी गर्मी में बोतलें बहुत ज़्यादा आती हैं, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान हमारे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आते हैं, दूसरा फिर इसी हिसाब से खुद भी बोतलें वगैरह पीते रहते हैं, तो इसलिए फिर बोतलें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। तकरीबन कल रात से मैं 4थी दफ़ा बोतलें लेने जा रहा हूँ, तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बोतलें आती हैं। 2 दफ़ा ये भी ले, माशाल्लाह मेहमानों की आमद बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए फिर पता ही नहीं चलता कि कितनी ले आ रहे हैं। बाकी अभी कैंची मोड़ा हम पहुंच गए हैं, तो अभी मेरे से ब्लास्ट भी तो कहीं हुआ होगा, टायर जो है ये बल्कि ये रिक्शे का टायर ब्लास्ट हुआ है, तो इधर से रोड क्रॉस करेंगे दूसरी तरफ अलफता है, ये तो शुक्र है तो बहुत करीब है इधर से, जब यहाँ से गुजरते हैं ना दिल करता है सांस भी ना बंदा यहाँ से ले, बहुत गंदी स्मेल आती है यहाँ से, कचरा एक तो गिरा हुआ, दूसरा फिर वो पानी भी गटरों का यहीं पर जमा है। हमारे घर में आज तक कभी पेप्सी 7-Up नहीं आई, कोक और या स्प्राइट ही आती है, तो अभी जो सा इधर दोनों बोतलें ख़त्म हुई हुई थी, कोक 0 Sugar में थी वो चाहिए नहीं थी हमें, बाकी जूस चाहिए था वो ले लिया है, तो शायद बोतलें वापस करवाना पड़े, लेकिन अभी लेके जा रहे हैं शायद वापस करवानी पड़ जाए, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं हो जाएंगे वापस। मैं आया हूँ तो छत पर जो ना काफ़ी ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई है, मौसम जो हल्का हल्का ख़राब हो रहा है, इधर से बादल जो इस तरफ से आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल से बारिश शायद हो जाए, लेकिन काफ़ी दिन से ऐसे चल रहा है बादल आते हैं, बारिश नहीं हुई 2-3 दिन हो गए इस तरह ही हो रहा है। खैर आज ज़रा मौसम सही है क्योंकि बस भी बनी हुई तो शायद अब बारिश हो जाए, मौसम काफ़ी ठंडा है। ये वाला कपड़ा भी फिर उठा देते हैं नीचे, वे ज़रा हवा आ जाए, मौसम ज़रा नीचे वाला भी बदल जाए,
बस ये काम तो नाजुक का किया हुआ, पहले अच्छा खासा इधर चारों तरफ से ना इस पर्दे को बांधा हुआ था, लेकिन जब हवा तेज चलती है ना तो पर्दा जो है ना टूट गया था, तो अभी चारों तरफ से जिस तरफ से भी रस्सी डाल दो टूट ही जाता है ये। इसका पक्का काम होने वाला है वैसे ही, बस अब दरअसल पर्दे बहुत वजनी है, टिकते नहीं है कीलों पे ना, जो जी ना आजकल फिर थोड़ी थोड़ी बंद होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, तो रात को तकरीबन फिर नीचे तो आप सो नहीं सकते, इसलिए फिर ऊपर सो जाते हैं तो पंखे की हवा तो लगती रहती है, कि फिर हवा रुक जाती है लेकिन सुकून होता है ऊपर छत पे अगर रात को लाइट भी बंद हो जाए, नीचे तो फिर जाहिर सी बात है कि आप उठ जाते हैं गर्मी में, फिर इसलिए फिर ऊपर सोना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि नेचुरल। हमारी फैमिली में कल से किसी ने मोबाइल किसी का लिया और किसी ने नया लिया, तो खैर मैंने भी किसी का लिया, तो इसी खुशी में आया जी पिज़्ज़ा, अभी नीचे पापा पिज़्ज़ा ले रहे हैं तो नीचे चलते हैं और पिज़्ज़ा हम भी खा लेते हैं, नहीं तो ये ना हमारा हिस्सा कोई और खा जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी मैं और फजल जा रहे हैं चीज़ लेने, फजल हवा कितना भागी जा रही है, हवा तेज चल रही है, हवा तेज भागती जा रही है, आराम से आओ इधर चल जा, सुबह शाम चीज़, सुबह शाम चीज़ है ना, आराम से दबा कर ला लेना। अभी एक और चक्कर लगा था अल्फता, तो ये बिस्किट ये वेफर हैं ये सारे, तो ये नमाज के बाद मगरिब की नमाज के बाद इधर मदरसे में फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगा तो इधर ही बच्चों में तकसीम कर दिए जाएंगे। अभी जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रोज़ाना हवाएं चलती हैं, बादल हो जाते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, आज भी वैसे हुआ है, पहले अभी भी हवा काफ़ी तेज़ चल रही है लेकिन बादल जो थे ना वो नहीं है, इसका मतलब बारिश आज फिर नहीं होगी। रात इंटरनेट पे दो दफ़ा बारिश बताई हुई थी लेकिन एक दफ़ा भी नहीं हुई, हवा काफ़ी तेज चल रही थी। अब्दुल आपको हर जगह ऑस्ट्रेलियन चिड़ियाँ नज़र आ रही हैं, पहले एक बाहर नज़र आई है तो वो पकड़ने के लिए गए हैं, वो असल चिड़िया थी ऑस्ट्रेलियन, पकड़ने के लिए गए हैं लेकिन वो उड़ गई, तो अभी इधर छत पे आए तो ऊपर बैठी हुई थी दूसरी चिड़िया, तो ये जनाब कहते हैं ऑस्ट्रेलियन चिड़िया। खैर हमें पहले भी एक दफ़ा ऐसे मिली थी जब हमारा सबसे पहला पेयर बना था ना, तो उसमें से हमें एक बाहर से मिली थी तभी पेयर बना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह तभी इन्होंने अंडे दिए हैं, तभी उनके बच्चे जो उनसे ना यानी कि हमारी चिड़ियाँ दादी दादी दादा नाना नानी सारी मिक्स प्लेट बन गई है। ये जो इतनी सी माई है ना ये इस टाइम आके ना ऊपर कोने खुदरों में से मिट्टी निकालती है, अगर इसका पापा को पता चल जाए तो फिर जो इसे डांट पड़ेगी, अब तो पता चल ही जाएगा, बस ये मिट्टी उठाती रहती है और खाती रहती है, छोड़ दो सर पे भी गिरा रहे हो अपनी, यार क्या कर रही हो ये, उठो इधर से, चलो ठीक है फिर आप ये पापा बताएंगे आपको। मैं और अब्दुल वहाब जा रहे हैं जी मगरिब की नमाज़ पढ़ने, साथ ही चीज़ें भी ले ली हैं, ये उधर ही मदरसे में ही जाएंगे नमाज़ पढ़ने, तो उधर ही दे लेंगे, नमाज़ भी पढ़ रहे हैं और चीज़ भी बच्चों में बांट आए थे, तो खैर अभी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शुक्रिया, तो बहुत सारा प्यार, अब्दुल वसीम रशीद को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़। गर्मी शदीद है इसकी वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, खैर अल्लाह हाफिज़।